गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? तो आशा करती हूँ बोले बहुत अच्छी भी बहुत अच्छी है। गणपति जी का दिन है और गणेश चतुर्थी भी है और साथ में राधाष्टमी भी है। तो बस मैं ये कहने वाली थी कि आज क्या क्या ब्लॉग में कहाँ सुनने वाला है, तो आपको ले चलते हैं ब्लॉग की शुरुआत करते हैं ब्रेकफास्ट से। अनुपम फोन की जरूरत चाहिए आप जो कीजिए खाने को मिलती है, कहीं भी देखो ब्लॉग में बहुत कुछ खास। अब लंच टाइम हो गया और लंच में आज क्या खास बने आपको दिखाते हैं। गाइस, आज लंच में बनी है आलू शिमला मिर्च की सब्जी और दही और रोटी। आप जो कीजिए खाने का मिलते कहीं भी जगह बने ब्लॉग में बहुत कुछ खास। क्या खास है उसके लिए बने गाइस, आज भी तो हो चुकी है तो आज सभी को पता है क्या जाना है। तो मम्मा ना मंदिर गई थी तो मम्मा को वहाँ से राजानी जी का प्रसाद में पहले से सुरक्ष हुई है मेरी प्रसाद नहीं मिला ना, तो मैं आपसे इसलिए नहीं कर रही लेकिन राजा ने की चूड़ियाँ जो आपसे मैं जरूर शेयर करूँगी। आप दिखाती हूँ आपको, मम्मा ने पहनी है हैवी है आगे से तो मैंने साबुन से डाल के चढ़ाई है, ऐसे चढ़ती नहीं है या ऑयल। भगवान का राधाष्टमी जो कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद मनाई जाती है। जैसे कहा जाता है कि जन्माष्टमी का जो व्रत रखते हैं वो अगर राधा जी का भी राधाष्टमी का व्रत नहीं रखेंगे तो व्रत पूर्ण नहीं होता जन्माष्टमी का। तो इसलिए जैसे राधा जी के बिना कृष्ण जी अधूरे हैं, कृष्ण जी के बिना राधा जी अधूरी हैं, तो सेम उसी की तरह ही वो इसलिए मनाया जाता है। और राधाष्टमी का जो पर्व होता है बहुत ही पावन होता है, उसे भगवान का तो हर पर्व पावन होता है। तो मेरे को इतना ही पता था तो मैंने आपको अपनी क्लिप में ही शेयर करा। आगे के लिए बने रहे, आगे क्या खास है उसमें बने रहे प्रॉब्लम। ये सब रात जो मैंने आपसे शेयर कर रही हूँ, आज बना है कुछ खास, इवनिंग में आपको दिखाती हूँ। आज बना पास्ता, आप भोजन कीजिए खाने को मिलती है कहीं मुझे मेरे ब्लॉग में बहुत कुछ है खास। आपको पता ही है कि आजकल फेस्टिवल चल रही है, गणेश चतुर्थी चल रही है, गणपति जी दिन आ चुके हैं तो चल रहे हैं। और गाइस, आज राधाष्टमी भी है तो और भी फेस्टिवल आने वाले हैं तो, लेकिन मैं गणपति जी के लिए मतलब कई लोगों ने सबका शौक होता है जिनका तो मेहंदी लगाती है। तो गाइस, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि मैं भी मेहंदी लगाऊंगी, वो वाली क्लिप भी शेयर करूंगी और वो कुछ ढेर सारे सरप्राइजेज हैं उसके बने रहना और आप में। और वो क्या सरप्राइजेज हैं वो तो आपको वहाँ नहीं बताऊंगी, लेकिन जो भी सरप्राइज है वो आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और या गाइस, नेल पेंट भी मैंने आपसे शेयर करनी है, कौन सा कलर लगाऊँगी वो भी आपको ज़रूर बताऊँगी। तो मैं सोचा कि अपनी यूट्यूब फैमिली से और शेयर कर लूँ क्लिप में, तो और भी कुछ होगा तो वो भी जरूर शेयर करूँगी तब बने ब्लॉग में।